नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर कवि, गायक और लेखक कवि प्रदीप, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कवि प्रदीप भारतीय कवि एवं गीतकार थे जो देशभक्ति के गीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनका बहुत ही पॉपुलर गाना ऐ मेरे वतन के लोगों बहुत ही फेमस है। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा, लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारण किया गया। गीत सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई। कवि प्रदीप ने इस गीत का राजस्व युद्ध विधवा कोष में जमा करने की अपील की। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश प्रांत के उज्जैन में बदनगर नामक स्थान में हुआ। कवि प्रदीप की पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से हुई। हालांकि 1943 की गोल्डन जुबली फिल्म किस्मत, इस फिल्म का गीत दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, ये गाना उन्हें देशभक्ति गीत के रचनाकारों में अमर कर दिया। गीत के अर्थ से क्रोधित तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। इससे बचने के लिए कवि प्रदीप को भूमिगत होना पड़ा। दोस्तों, ये गीत इतना पॉपुलर था उस जमाने में कि थिएटर में जब फिल्म खत्म हो जाती थी उसके बाद दोबारा से आखिरी में जो है इस गाने को लगाया जाता था खास पब्लिक की डिमांड पर। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के छोटे से शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आपका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। आपको बचपन से ही हिंदी कविता लिखने में रुचि थी। आपने 1939 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के पश्चात शिक्षक बनने का प्रयत्न किया, लेकिन इस समय उन्हें मुंबई में हो रहे एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण मिला। 1943 में किस्मत फिल्म का गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था, हर घर में बसता था। दोस्तों, प्रदीप हिंदी साहित्य जगत और हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे सुदृढ़ रचनाकार रहे हैं। कवि प्रदीप ऐ मेरे वतन के लोगों सरीखे देशभक्ति गीत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय लता मंगेशकर द्वारा इस गीत को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान से सीधा प्रसारण किया गया था। प्रदीप ने प्रेम के हर रूप और हर रस को शब्दों में उतारा है, लेकिन वीर रस और देशभक्ति के उनके गीतों की बात ही कुछ अनोखी है। कवि प्रदीप की शुरुआती शिक्षा इंदौर के शिवाजी राव हाई स्कूल में हुई, जहां वे 7वीं कक्षा तक पढ़े। इसके बाद की शिक्षा इलाहाबाद के दरागंज हाई स्कूल में संपन्न हुई। इसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। दरागंज उन दिनों साहित्य का गढ़ हुआ करता था। वर्ष 1933 से लेकर 1935 तक का इलाहाबाद का काल प्रदीप जी के लिए साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की एवं अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। विद्यार्थी जीवन में ही हिंदी काव्य लेखन एवं हिंदी काव्य वाचन में उनकी गहरी रुचि थी। संयोगवश रामचंद्र द्विवेदी यानी कि कवि प्रदीप को एक कवि सम्मेलन के लिए जाने का अवसर मिला, जिसके लिए उन्हें मुंबई आना पड़ा। वहां पर उनका परिचय बॉम्बे टाकीज में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति से हुआ। वो रामचंद्र द्विवेदी के कविता पाठ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ये बात हिमांशु राय को बताई। उसके बाद हिमांशु राय ने उन्हें बुला भेजा। वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने 200 रुपए प्रति माह की नौकरी दे दी। कवि प्रदीप ने ये बात स्वयं बीबीसी के एक साक्षात्कार में बताई। हिमांशु राय के ही सुझाव पर रामचंद्र द्विवेदी ने अपना नाम बदल ले
उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी जैसे लंबा नाम ठीक नहीं है, तभी से रामचंद्र द्विवेदी ने अपना नाम प्रदीप रख लिया। प्रदीप से कवि प्रदीप बनने की कहानी ये भी एक रोचक कहानी है। उन दोनों अभिनेता प्रदीप कुमार की काफी प्रसिद्धि थी। अब फिल्म नगरी में दो प्रदीप हो गए, एक कवि और दूसरा अभिनेता। दोनों का नाम प्रदीप होने से डाकिया प्राय डाक देने में गलती कर बैठता, एक की डाक दूसरे के पास पहुंच जाती, बड़ी दुविधा पैदा हो गई। इस दुविधा को दूर करने के लिए अब प्रदीप अपना नाम कवि प्रदीप लिखने लगे। अब चिट्ठियां सही जगह पर पहुंचने लगी थी। 27 जनवरी 1963 को आए मेरे वतन के लोगों गीत सबसे पहले लता मंगेशकर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था। वर्ष 1962 में भारत चीन के युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में कवि प्रदीप ने ये गाना लिखा था और कहते हैं जब इसे नेहरू ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू झलक आया। बाद में कवि प्रदीप ने भी ये गाना जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था। जिस समय कवि प्रदीप की प्रतिभा उत्तरोत्मुख हो रही थी तब उन्हें तत्कालीन कवि सम्राट पंडित गया प्रसाद शुक्ला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रदीप जी भी उनके स्नेही मंडल के अभिन्न अंग बन गए। प्रदीप जी का जीवन बहुरंगी संघर्ष भरा रोचक और प्रेरणादायक रहा। माता पिता उन्हें शिक्षक बनाना चाहते थे किंतु तकदीर में कुछ और ही लिखा था। बंबई की एक छोटी सी कवि गोष्ठी में उन्हें सिने जगत का गीतकार बना दिया। उनकी पहली फिल्म थी कंगन जो कि हिट रही। उनके द्वारा बंधन फिल्म में रचित गीत चल चल रे नौजवान राष्ट्रीय गीत बन गया। सिंध और पंजाब की विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत मान्यता दी और ये गीत विधानसभा में गाया जाने लगा। बलराज सहनी उस समय लंदन में थे, उन्होंने इस गीत को लंदन बीबीसी से प्रसारित कर दिया। अहमदाबाद में महादेव भाई ने इसकी तुलना उपनिषद के मंत्र चरैवेति से किया। जब भी ये गीत सिनेमा घर में बजता लोग वंस मोर कहते थे और ये गीत फिर से दिखाना पड़ता था। उनका फिल्मी जीवन बॉम्बे टॉकीज से शुरू हुआ था जिसके संस्थापक हिमांशु राय थे। यहीं से प्रदीप जी को बहुत बड़ा यश मिला। कवि प्रदीप गांधी विचारधारा के कवि थे। प्रदीप जी ने जीवन मूल्यों की कीमत पर धन दौलत को कभी महत्व नहीं दिया। कठोर संघर्ष के बावजूद उनके निवास स्थान पंचामृत पर सोने के कंगूरे भले ही ना मिले परंतु वैश्विक ख्याति का कलश जरूर दिखेगा। प्रदीप जी के लिखे गीत भारत में नहीं वरन अफ्रीका यूरोप और अमेरिका में भी सुने जाते हैं। प्रदीप जी ने कमर्शियल लाइन में रहते हुए कभी भी अपने गीतों से कोई समझौता नहीं किया। ऊपर गगन विशाल गीत सुनने के समय कभी प्रदीप अपने हाथ को ऊपर नीचे हिला हिला कर तन्मय दिखाते थे। एक संत पुरुष सीधे साधे किसी भी प्रकार से दिखावे से दूर रहने वाले कवि प्रदीप के लिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हिंदी फिल्म जगत में भावनापूर्ण साहित्यिक एवं उच्च स्तरीय गीत लिखकर कलम में धनी कवि प्रदीप ने सच किया कमाल। आज एक ऐसे महान कवि गीतकार का जिक्र कर रहा हूँ जो भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है परंतु अपने अलौकिक रचनाओं के रूप में विश्व भर के हिंदी प्रेमियों राष्ट्र प्रेमियों के हृदय में आज भी विराजमान है और आने वाले अनंत समय तक विराजमान रहेंगे। पंडित रामचंद्र द्विवेदी जिन्हें सभी लोग कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं, हिंदी साहित्य जगत और हिंदी फिल्म जगत के एक अति सुदृढ़ रचनाकार रहे। मध्य प्रदेश के बडनगर उज्जैन में जन्मे रामचंद्र द्विवेदी ने शायद स्वयं ये कल्पना कभी नहीं की होगी कि सारे हिंदुस्तानी उनके सामने आदर और श्रद्धा से नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। कविता तो आम तौर पर हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी कहता ही है परंतु रामचंद्र द्विवेदी की कविताएं केवल कुछ क्षणों का शौक नहीं या समय बिताने का साधन नहीं थी, वो उनके साथ सांस में बसती थी, उनका जीवन था। इसलिए अध्यापन छोड़कर वे कविता की रचना में व्यस्त हो गए। इनकी जो प्रमुख रचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी खुद से बात करो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, ऐ मेरे वतन के लोगों, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, पिंजरे के पंछी हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, कभी धूप कभी छाव आज हिमालय की चोटी से, गा रही है जिंदगी हर तरफ मेरे जीवन के पथ पर, हम तो अलबेले मजदूर ना जाने आज किधर,
धीरे धीरे आ रहे बादल, ऊपर गगन विशाल, मेरा मन हंसते हुए चल, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तुमको तो करोड़ों साल हुए, किस बाग में मैं जन्मा खेला, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अमृत और जहर दोनों है सागर में एक साथ, होने लगा है मुझ पे जवानी का अब असर, मैं एक नन्हा सा एक छोटा सा बच्चा हूँ, चरागों का लगा मेला ये झांकी खूबसूरत है, अपनी माँ की किस्मत पर मेरे बेटे तू मत रो, खिलौना माटी का। कवि प्रदीप 11 दिसंबर 1998 को 83 वर्ष की उम्र में इस महान कवि का मुंबई में देहांत हो गया। कवि प्रदीप की दो बेटियां सरगम ठाकर और मिथुन प्रदीप है, जिन्होंने बाद में कवि प्रदीप फाउंडेशन की स्थापना की। कवि प्रदीप की याद में एक अवार्ड कवि प्रदीप सम्मान भी दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।